FPS lecture 21 exercise 5.5. This is part 6. I'm your teacher Tabinda Mehfooz. Now the topic is the difference between 101 function 101 correspondence and 101 function. तो अब ये last topic है इस exercise का और इस unit का भी. तो आप देखें बेटा, इसमें आपके पास अगर दो sets given होते हैं, if A and B are two non-empty sets, then a rule for which one and only one element of set A is paired with one and only one element of set B, or B elements paired with one and only one element of set A is called 101 correspondence. Yani agar aap ek element of set A ko pair karenge ek element of set B ke saath aur usse zyada ke saath uska pair na banaye to phir ye 101 correspondence kehlata hai. इसके लिए एक बात और भी ज़रूरी है जो आपको याद रखनी है. रिमेंबर दैट इफ़ देयर एग्जिस्ट 101 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन टू फिनिट सेट्स ए एंड बी, ठीक है, दे हैव सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, उनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम होनी चाहिए अगर वो फिनिट सेट हैं. फॉर एग्जांपल उनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो काउंटेबल भी हों और सेम भी हों. यानी टू, अगर टू एलिमेंट्स का सेट ए है तो फिर बी को भी टू एलिमेंट्स का होना चाहिए. अगर फोर का है ए तो बी में भी फोर एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है. उसको हम फिनिट सेट्स कहते हैं और इक्विलेंट सेट्स भी कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम होते हैं, ठीक है. अब ये देखें बेटा, एग्जांपल से भी ये कंडीशन आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी. कॉरेस्पॉन्डेंस का बेटा ये सिंबल है, ये आपने दोनों तरफ एरो हेड लगाना है. अब ये देखें, ए में फोर मेंबर्स हैं और बी में भी फोर एलिमेंट्स. अब आप इनके पेयर बनाएं तो आप डायरेक्ट विद फर्स्ट और सेकंड विद सेकंड डायरेक्ट भी बना सकती हैं और इनडायरेक्ट तरीके से भी. यानी कि आप थ्री को डी के साथ ले लें, फोर को सी के साथ ले लें, ऐसे क्रॉस में भी बन सकते हैं. तो आप इनको देखें तो ये सारे मेंबर्स जो हैं ए के बी के साथ पेयर बन गया उनका, और कोई मेंबर जो है वो अनपेयर्ड नहीं है. यानी उसका पेयर ना बना या वो रह गया, ऐसे नहीं हुआ, ठीक है. तो ये 101 कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए होता है ऐसे. लेकिन अगर आप फंक्शन कह रहे हैं, 101 फंक्शन की बात करेंगे, तो कॉरेस्पॉन्डेंस में और फंक्शन में यही फ़र्क है कि आप उसमें नॉन इक्विलेंट सेट से भी फंक्शन बन सकता है. नॉन इक्विलेंट का मतलब है कि इसमें थ्री मेंबर्स हैं और इसमें फोर मेंबर हैं, सी ओ डी को अगर आप देखें. अब इसमें 101 कॉरेस्पॉन्डेंस तो पॉसिबल नहीं है, मगर फंक्शन के लिहाज से ऐसे 101 फंक्शन में हम बना सकते हैं. फर्स्ट एलिमेंट्स को आप सेट ए में, आप सी में फर्स्ट एलिमेंट सारे ले लें, ठीक है, पेयर्स में, और ऑर्डर्ड पेयर्स जो आप बनाते हैं, और ठीक है आप तीन मेंबर्स को लें, क्योंकि तो ये 101 फंक्शन बन जाएगा आपके पास, ठीक है. क्योंकि इसमें आपने रिपीटेशन नहीं की, फर्स्ट एलिमेंट्स भी और सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहे, और इसके अलावा ये आपका 101 फंक्शन के लिए ठीक है. इट इज़ क्लियर दैट देयर एग्जिस्ट 101 फंक्शन ऑफ सी एंड डी, बट नो एग्जिस्टेंस ऑफ 101 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन सी एंड डी, बिकॉज डी रिमेंड D जो है रिमेंड बिलोंग्स टू सेट D इज़ अनपेयर्ड. तो आप देखिए इसमें D अनपेयर्ड है, तो कॉरेस्पॉन्डेंस के लिहाज से तो ये नहीं हो सकता, मगर फंक्शन ये फिर भी 101 बन सकता है, ठीक है. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन 101 फंक्शन एंड 101 कॉरेस्पॉन्डेंस. अब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर फोर और क्वेश्चन नंबर थ्री. हम आपको क्वेश्चन नंबर फोर करवा रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो सिलेबस है उसमें आपका ये क्वेश्चन इंक्लूडेड है. अलबत्ता आप क्वेश्चन थ्री को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सेम मेथड है और सेम कंडीशन उसमें गिवन है. अब क्वेश्चन नंबर फोर को देखें बेटा, इसमें आपको दो सेट्स दिए हुए हैं ए और बी. ए में आपके थ्री मेंबर्स हैं और बी में फोर मेंबर्स, ठीक है, टू थ्री फोर फाइव. अब उन्होंने कहा देन स्टेट्स वेदर दीज आर फॉलोइंग रिलेशन शोज दैट देयर एग्जिस्ट 101 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी, इफ नॉट व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन दे आर. तो आपने देखें बेटा, पहले तो पहली कंडीशन को अगर आप गौर से देखें, पहले जो लेक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इसमें, तो देखें ये आपके पास एलिमेंट सेम नहीं है. इसमें थ्री एलिमेंट्स हैं, इसमें फोर है. तो 101 कॉरेस्पॉन्डेंस की जो उन्होंने पेयर आपको बना के बताए हैं, आप उनको डायग्राम में भी दिखा दें तो डायग्रामेटिकली भी आप देख सकते हैं बेटा. इसमें कंपैरिजन करें तो ए को टू के साथ लिया है, बी को थ्री के साथ, सी को फोर के साथ, लेकिन फाइव जो है वो अनपेयर्ड है. तो इस वजह से देर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ 101 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी, बिकॉज फाइव रिमेंस बिलोंग्स टू द सेट बी इज़ अनपेयर्ड. अब काइंड ऑफ रिलेशन की बात करें तो काइंड ऑफ रिलेशन में अगर आप देखें तो ये फंक्शन तो ये है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हुए और वो आपके पूरा सेट भी कंप्लीट हो रहा है सेट ए. सो सिंस आर वन इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी,
और रेंज को जब आप देखते हैं तो रेंज में आपके 1, 2, 3, 4 आ रहे हैं विच इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, अब ये आपके पास देखें बेटा, ये रेंज में आपके पास ये आर जो है इन टू फंक्शन बन जाएगा। आर जो है वो आपके पास इन टू फंक्शन है, क्यों कि देखिए इसमें नॉट इक्वल्स टू बी आ रहा है। इसके अलावा देर इज़ नो रिपीटेशन ऑफ सेकेंड एलिमेंट, आप देख सकते हैं सेकेंड एलिमेंट हमने रिपीट नहीं किया, रेंज को रिपीट नहीं किया, इस वजह से ये जो है ये 101 फंक्शन भी है। तो ये इन टू भी है और 101 फंक्शन भी है, रिपीटेशन भी नहीं हुई और सेट भी कंप्लीट नहीं हुआ, दोनों कंडीशन इसमें पूरी हो गई। दैट्स वाई R1 इज़ इन टू एंड 1-to-1 फंक्शन, इसको इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इसी तरह बेटा आप इसकी प्रैक्टिस में क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट भी कर सकते हैं, उसको भी आप इसी तरह कॉरेस्पॉन्डेंस में पहले चेक करेंगे, जो कि नहीं होगी सारी बात है, वो नॉन इक्विवेलेंट सेट गिवन है तो वो तो कंडीशन नो हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने उसको जो है काइंड के लिए देखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन 3 भी इसी मेथड से आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें भी यही क्वेश्चन है आपके पास, तो आप उसको भी ज़रूर प्रैक्टिस करें। और ये आपका बेटा एंड ऑफ दी एक्सरसाइज 5.5, और ये आपका यूनिट भी खैरियत से कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।